हाय गाइस, तो जैसे कि आपने बोला था यार मनीष ब्लॉग भी लेके आओ, दिखाओ आप साइट विजिट कैसे करते हो, कैसे आप काम करते हो, क्या चीजें आप चेक करते हो। तो ये फर्स्ट मेरा व्लॉग होने वाला है साइट विजिट को लेके, लेकिन मुझे नहीं पता कि अच्छा है या बुरा है। तो कमेंट्स में जरूर बताना अगर आप लोग कहते हो और ये अच्छा आपको व्लॉग लगेगा, तो फिर डेफिनेटली मैं साइट विजिट के व्लॉग्स कंटिन्यू रखूंगा और बनाता रहूंगा और आपको एंटरटेन एंड एजुकेट करता रहूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक कोच पे, जहां पे होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और दूसरी टैगलाइन है हायर सिविल इंजीनियर फॉर योर होम। तो यहां पे बेसिकली मैं ये चेक करने के लिए पहुंचा हूं कि जब भी हम पत्थर या टाइल लगाते हैं तो सबसे पहले जो लेवल लिया जाता है वो स्टिल्ट या ग्राउंड फ्लोर से लिया जाता है, वो भी स्टेयरकेस से। जो सबसे पहला लेवल उठेगा वो स्टिल्ट का उठेगा, फिर वहां से स्टेयरकेस, स्टेयरकेस से आपके ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से आपके बाथरूम और बालकनी के लेवल डिसाइड होते हैं। लेकिन अक्सर मेजर मिस्त्री जो होता है वो क्या करता है, वो टाइल क्या करेगा, सीधा ड्राइंग रूम से या बेडरूम से लगाना चालू कर देता है, जो कि एक गलत प्रोसीजर है। हाँ, अगर आपके एग्जिस्टिंग फ्लोर में स्टेयरकेस में पत्थर लगा हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्रेश साइट है या रॉ साइट है तो हमेशा जो पत्थर है वो स्टेयरकेस से चालू होता है। अब कई लोग कहते हैं कि यार मनीष स्टेयरकेस में पहले पत्थर लगा देंगे टूट तो नहीं जाएगा, तो फिर हम लेवल ले लेते हैं, पत्थर हम बाद में लगा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे साइट है जहाँ पे लेवल नहीं लिया गया था, और ऐसी मैं साइट देख चुका हूँ जहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो अब ये आप इसको देखो, जीने पे लगा लो, पिलर पे लगा लो, अभी यहाँ पे इन्होंने कोई बात नहीं करी, पिलर पे डाल लो, जीने के वो राइजर पे डाल लो। अभी यहाँ पे मैंने पिलर पे मार्क किया है, सब गड़बड़ हो रखा था, तो यहाँ पे मैंने सारे रोड लेवल से मार्किंग उठा के उसके बाद यहाँ लेवल में ये मार्क करवा रहा हूँ। रोड का लेवल ही है, अब जब भी किसी को भी चेकिंग करनी है कुछ भी करना है यहाँ से आओ, अपना नाप लेंगे, ठीक है। अब अपना फीता निकाल के नीचे मारो, कितना बचा रहा है मेरे पास, साफ कर अब ये देखो ये यहाँ फंस गए, क्योंकि अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पत्थर के लिए, ग्रेनाइट के लिए कम से कम 1.5 इंच का मसाला बेड, मतलब अगर ये पत्थर है तो 1.5 इंच का कम से कम बेड होना चाहिए, अगर उससे कम है तो आपका पत्थर टूट सकता है, उस पर कभी गाड़ी चढ़ेगी तो पत्थर चटक जाएगा, क्रैक आ जाएगा, इसलिए कईयों के घरों में जो ग्रेनाइट या टाइल्स है वो टूटी हुई मिलती है। पास हमारी रूम की एंट्री होगी ना, उस एंट्री पे हर बार मैं रूम के राइट साइड में उसमें से कदम रखने से पहले दीवार के इस तरफ पीले रंग का निशान होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आऊंगा इनका काम ऊपर पत्थर चल रहा होगा, मैं तो वहां से लेवल लेके पूरे घर के अंदर लेवल चेक करूंगा, पत्थर लेवल में है। अब यहाँ पे आप ये पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ पे इनके आर्किटेक्ट ने क्या गलती करी है, अब इसमें अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो अंदर का लेंटर है, जो स्लैब है, और जो बालकनी का स्लैब तो एक लेवल है, लेकिन जो बीम होती है जो उसको सेपरेट करती है वो लेंटर के ऊपर निकली हुई है, जिसकी वजह से इनका करीब करीब 2 से 2.5 लाख का एक्स्ट्रा जो पैसा है वो वेस्ट हो गया है। तो अब आप इसको देखो, आधा इंच तो मान के चलो, कितनी ईंटें लग रही होंगी इसमें हमारी, इमरत जी एक फ्लोर में कितनी ईंटें लग रही होंगी हमारी, तो एक चट्टा पूरा तो नहीं लगेगा ना, लग जाएगा पूरा चट्टा, मतलब 5-6 हज़ार एक चट्टे में, 4 हज़ार बेसिकली चट्टे का मतलब होता है कि जो ब्रिक का पूरा एक लॉट आता है, तो चट्टा जो बोल रहे हैं वो एक लॉट की बात हो रही है कि एक लॉट में टोटल कितना माल आ रहा है या कितनी ब्रिक्स आ रही है, 8,000 रुपये। अगर आप अभी ये देख पा रहे हो, देख रहे हो ये बेसिकली जो आपका बीम है जो अंदर बीच में निकला हुआ है, अब मुझे नहीं पता ये स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने क्यों दिया है, बट पता नहीं, बट यह इनका घाटा हो चुका है। अब पता नहीं सर, केंद्र व आर्किटेक्ट ने क्या उन्ना करवाया सर, ये पहले और दूसरे में ऐसा है ना, नहीं पूरे में सारे में ऐसा है, ठीक है। आप नीचे से लेवल ले लो, इस लेवल को चेक कर लो मेरा, मुझे इस मेन गेट पे निशान दे दो, ठीक है भाई, मैं लेवल पाइप लेके एक बार चेक करूंगा कोई भी दो ठीक है तुम्हारा, वो स्टेशन में जाएगा इधर। अब इस वाले पॉइंट पे बेसिकली क्या हुआ है, प्लम्बर ने गलती कर दी है कि जो बॉटल ट्रैप लगता है वो हमेशा वर्टिकली अलाइन लगता है बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉश बेसिन का सेंटर होल इधर है, और जो अगर मैं बात करूँ सेंटर होल इधर है और जो ड्रेन है वो इस तरफ, तो टेढ़ा लगेगा, लेकिन प्लम्बर मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहा है लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो,
कितना आएगा सेंटर वाले यहाँ से हैं बोतल ट्रैप तो लग नहीं पाएगा लग जाएगा कैसे लगाएगा बटन ट्रैप तो लग जाएगा बटन ट्रैप कैसे लगाएगा लग जाएगा टेढ़ा करके ऐसे हाँ लग जाता है लग जाता है लेकिन सही रहेगा नहीं रहेगा कैसे लगेगा लग जाएगा यहाँ पे तेरा सेंटर होल है जी जी इसको बटन ट्रैप पर टेढ़ा कैसे लगाएगा कैसे नीचे लग कसेगा कैसे कस जाएगा उसको बुला लो अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो बच जाएगा तो बेसिकली ये मानने को यहाँ पे तैयार नहीं था लेकिन ऐसे नहीं होता है आपको उस वर्टिकली अलाइन करना होता है तभी फ़ायदा होता है तो नहीं तो वो बेसिकली गलती है जब नेक्स्ट डे उनका मेन हेड प्लम्बर आया तो उसने बोला हाँ सर यहाँ पे गलती हो गई है इसको हम ठीक कर देंगे इसके लिए अब वो नहीं है तुम्हारे पास स्विच सॉकेट ये अब इस वाले पॉइंट पे क्या गलती हुई है कि जो स्विच सॉकेट की अलाइनमेंट हुई है जनरली क्या होता है आपका वॉश बेसिन है मिरर के साथ में स्विच सॉकेट होना चाहिए जिससे कि आपका अगर आप ट्रिमर यूज़ कर रहे हो या फिर आप अपना हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा परफेक्टली अलाइंड हो वायर वहीं लगी रहे आपको इधर उधर लेके सॉकेट के लिए ढूंढना ना पड़े तो ये हमारी बेसिकली जो हम कहता रहता हूँ ना हमारी चेकलिस्ट होती है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं मेरे माइंड में तो सारी चेकलिस्ट बसी हुई है कब से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वही दिक्कत आ रही थी कि जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो वॉश बेसिन के साइड में है ही नहीं वो दूर है तो अब ये देखो इसमें हमने कैसे इसको ठीक किया यहाँ पर अभी आप बता आ गया हेड ड्रायर लगा और ऐसे तार दिखेगी शीशे के बीच में तो दो सॉकेट इधर आ गया स्विच आ गया दो सॉकेट आ गया हाँ दो सॉकेट भाई हर किसी में दो सॉकेट चाहिए चाहिए इस साइज का पैसा लगा दो क्या दिक्कत है दो सॉकेट चाहिए चाहिए तो ये वाले को यहाँ पर ना शिफ्ट करा दे फिर वो तो फिर एंट्री के लिए कहाँ से एक्सेस करो इधर आना पड़ेगा अच्छा अच्छा ठीक है एंट्री के लिए तो यहाँ पर है इधर से आएगा यहाँ से आप क्या क्या यूज करते हैं हेयर ड्रायर हो गया आपका वही तो ट्रिमिंग मशीन यूज कर लेता है उनको ये नहीं आप करोगे चार्ज करोगे जिनके चार्जिंग वाले ट्रिमर परमानेंट चार्जिंग पे लगा समझ स्टैंड से निकाला ट्रिम किया वापस रख दिया ऑटोमेटिकली चार्ज ठीक है अगर स्विच हो जाएगा तो आपको हर बार तार बदलनी पड़ेगी समझ गया तो इसलिए मैं दो सॉकेट दिलवा मैं तो ये कर सकते दो सॉकेट डायरेक्टली परमानेंट डायरेक्ट परमानेंट वो ठीक है क्योंकि ड्रेस हेयर ड्रायर में भी ऑन ऑफ का स्विच होता है उसमें होता है और सुबह ये नहीं कि बिजली खपत हो रही है कुछ नहीं होता अब भाई तुम अपना बताओ अब बेसिकली यहाँ पे इनके बाथरूम में बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है दिक्कत वो ये हुई है कि प्लम्बिंग लाइन कॉमन रखा है इन्होंने जिसमें चार फ्लोर्स हैं दो ये आई थिंक सेल करेंगे और दो इनका पर्सनल होने वाला है लेकिन जो कॉमन लाइन है वो एक तरीके से उन्होंने जो रीज़न दिया था वो ठीक है लेकिन इशू क्या है कि कल को अगर किस ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर के बाथरूम में दिक्कत हुई अगर उनको कुछ चेक करना है या बाथरूम रिपेयर करना है तो कॉमन लाइन है और इसका जो वॉल है वो बिल्कुल छत के ऊपर है और छत का एक्सेस जो टॉप पे है उसके पास है तो अगर कल को कुछ बंद करना पड़ा तो ऊपर जाके बंद करना पड़ेगा और सारे बाथरूम की सप्लाई बंद हो जाएगी तो यहाँ पे ये वॉल देना भूल गए अब देखिए कैसे हमने इसको ठीक किया और यहाँ पे प्लम्बर मानने को तैयार नहीं ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा एक्सेस और टेरेस का आप ही के पास है फर्स्ट फ्लोर वाले को दिक्कत होगी मेंटेनेंस कराना है बाथरूम नया करवा रहे हैं पानी कैसे बंद होगा क्योंकि स्टेज से चलो बार बार चला गया अगर टेरेस आपके पास है तो फिर बार बार फिर वो सपोज कर आपकी पार्टी चल रही है उसको पानी बंद करवाना है तो दिक्कत होगी ना बाहर नहीं निकालना कोई यार बॉल तो हर जगह देते हैं बाहर या तो कंसील डालते हैं बाहर बॉल डाल देते बॉल रिंग तो ही रहा था चल कोई नहीं बाहर डल जाता अभी क्या करने का वो था अब यहाँ पे ये एग्री हो गया है कि हाँ ठीक है ऐसे कर देंगे ठीक है आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो बेसिकली अब यहाँ पे सारी चीज पैक हो चुकी है बेसिकली सब कवर हो चुका है चुनाई में है ना एक फुट का हिस्सा तोड़ के फिर उसमें वॉल डाल ठीक है कर लेते हैं अब यहाँ पे बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए जो इलेक्ट्रिकल के बेसिक होने चाहिए बेड साइड टेबल के आसपास ऊपर नीचे सीलिंग में या जहाँ भी अब यहाँ पे बेसिकली क्या है जो आप लोग भी गलती करते हो उसमें क्या होता है कि जब आरओ का आप कोई भी सप्लाई पॉइंट लगवा रहे हो तो आरओ का जो पॉइंट लगा है उसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि आरओ का जो ड्रेन पॉइंट है
वो अक्सर लोग नहीं डालते हैं। और जो आरओ के साथ एक वो अलग से पाइप लगा रहता है वो सिंक के अंदर डालना पड़ता है ओपन में। तो हमेशा जब भी घर में आरओ फिक्स करवा रहे हो या घर में रेनोवेशन करवा रहे हो तो मेक श्योर कि वहाँ पे एक आरओ के लिए अलग से ड्रेन पॉइंट हो जिससे कि पाइप ओपन में ना दिखाई दे। अभी नेक्स्ट हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं रूम को लेके। अब बेसिकली जब भी हम रूम में एंटर करते हैं तो रूम के अंदर हमेशा वॉल पे कुछ लाइटिंग अगर मिल जाए, पर्टिकुलर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट से कुछ मिसिंग था तो मैंने जनरली इलेक्ट्रिकल पॉइंट के लिए बोल दिया कि इन फ्यूचर अगर हम कुछ यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उसको लिट अप करने में आसानी नहीं है। इधर यहाँ पर तो एक खाली है अभी वॉल, कुछ भी डिजाइनिंग एलिमेंट आप तार ऐसे डालना कि यहाँ से कल को मुझे एक एक्स्ट्रा लाइट डालनी ट्रैक वाली, वहाँ से मुझे तार मिल जाए तो डर चुके हो तो लाइट लगेगी। हाँ तो दोनों एक मैं करवा रहा मेरा काम अभी हम उनके नेक्स्ट बाथरूम में गए हैं, नेक्स्ट वॉशरूम में गए हैं। अब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया गया है वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट बेसिकली आपका लेज वॉल जिस पे डब्ल्यूसी लगता है, कमोड लगता है, उसकी जो लेड वॉल ब्रिक उसमें डल जाती है वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट उस वॉल के अंदर आ रहा था। हाइट उन्होंने लेवल गलत ले लिया और कम डाल दिया जिसकी वजह से अब मैंने वो चेक कर लिया तो वो पॉइंट दोबारा ऊपर हमने शिफ्ट करवाया। दूसरा इसमें क्या हुआ कि प्लम्बिंग का लाइन का जो रूट है जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वहाँ से नहीं था, वो कहीं से भी लाया हुआ है। तो मेक श्योर मैंने उनको ये बोला है, आपके लिए भी है कि अगर प्लम्बर आपके यहाँ काम कर रहा है और पाइपलाइन अगर कुछ ऊपर की हाइट से गई है, अगर 1.5-2 फुट की हाइट से ऊपर से कहीं पाइपलाइन आ रही है तो मेक श्योर जो एसेसरीज होती हैं जैसे शीशा, टावल रॉड, टावल रिंग या सोप डिस्पेंस अगर आप लगवा रहे हो तो वो वही प्लम्बर लगाए जिसने वहाँ काम किया है, नहीं तो पंचर हो सकता है पाइप और सारा नुकसान हो सकता है। अगर सपोज करो बड़ी टाइल लगी हुई है तो पूरी एक टाइल ख़राब हो जाएगी। एक्सेसरीज जो भी लगेंगे वो प्लम्बर का आदमी लगाएगा और यही ठेकेदार लगाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये पाइपलाइन जिस रूट से आई है उसको पता है क्योंकि अभी क्या है ना ऐसी लोकेशन पे शीशा तो लगेगा, किसी ने गलत ड्रिल मार दिया ना गड़बड़ हो जाएगा। उधर एसी के पॉइंट भी ऐसे जहाँ गीजर है ना आपके वही गीजर के पॉइंट के घूम रहे हैं ना वो भी बहुत एक पूरे घर की वीडियो शूट करवा अभी इसी इसी स्टेज में सारे बाथरूम्स में नॉर्मल एक बंदे बोलो वीडियो नॉर्मल बैठेगा। अब ये लेज वॉल यहाँ बेसिकली पॉइंट लेज वॉल के अंदर आ गया। अब ये यहाँ बहुत बड़ी गलती हो रही थी, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे सिस्टम को लगा के वापस निकाला गया है। सिस्टम जो होती है बेसिकली उसके साथ कभी आपको ऐसा नहीं करना है, एक बार इंस्टॉल करना है उसके बाद प्लास्टर और टाइल लग जाना चाहिए। रीज़न बीइंग इसलिए कि टाइल लगाने वाला मिस्त्री अगर काम कर रहा है तो हो सकता है अगर सिस्टम को आपने वापस बाहर निकाला है तो उस पर छेनी हथौड़ा मार सकता है जिसकी वजह से पंक्चर हो सकती है। और बिलीव मी मैंने इतने कितने सारे केस साइड विजिट पर पकड़े हैं जिसमें जो लीकेज होती है सिस्टम से होती है और पूरे फ्लोर में पानी होता है क्योंकि सिस्टम हमेशा ऑटोमेटिक फिल होती रहती है और कंटिन्यू उसमें पानी रहता है। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन दिया हुआ देखो। तो हमेशा टाइल लगने से पहले हमेशा एक बार ये चेक करो, पानी पाइपलाइन में हमेशा ऑन रखो सो दैट कि अगर लीकेज हो जाए तो तुरंत पता लग जाए और टाइल लगने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ बेसिकली मैं पत्थर के लेवल चेक कर रहा हूँ जिससे कि पत्थर में जो टक बन जाता है ऊपर नीचे हो जाता है वो ना हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उधर किया डाला अभी हाँ उधर पहुंचा एक उस कोने में दो ही चेक करूंगा एक उस कोने में दिखा
की तो लग जब लग जाता ना जब करते तो जब और सही रहता तो देख रहे हो वहां पे जो टीम थी वो रेडी है मुझसे आर्ग्यू करने के लिए बट टेक्निकल नॉलेज है इसलिए मुझे कुछ नहीं बोल सकते नहीं तो आपको लोग ऐसे मिलेंगे मिलेंगे अब देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये पत्थर का लेवल गलत हो रखा है यहाँ पे पत्थर इन्होंने गलत लगा दिया जिसमें बैंड आगे आ जाएगा अब हम ये इलेक्ट्रिकल का पाइप चेक कर रहे हैं कि जो पाइप जा रहा है ऐसा तो नहीं है कि पाइप टूटा हुआ हो कल को वायर में कुछ फॉल्ट आ जाए या अंदर कल को वायर खींचनी पड़ जाए नई वायर डालनी पड़ जाए तो दिक्कत ना हो तो पाइप की क्वालिटी बिजली वाले ने बोला कि पाइप बहुत सॉलिड पाइप है लेंटर वाला पाइप है तो हमने कहा क्यों ना चेक कर ले तो अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे पीछे हमने ईंट डाली उन्होंने हमें कहा कि ऊपर से ईंट डालो तो हमने ऊपर डाली जो से डाली पाइप नहीं टूटा मतलब कि पाइप हमारा अच्छी क्वालिटी का था और पास। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रेन शावर की जब भी आप घर के अंदर रेन शावर लगवा रहे हैं तो मेक श्योर जो उसका पाइप स्लैब में से लग के आ रहा है वहाँ पे यू क्लैंप लगे या सेडल लगे जिससे कि जब प्रेशर से पानी आए तो पाइप हिले ना अगर पाइप हिलेगा तो दो साल ढाई साल में हिल हिल के पीओपी में बड़ा छेद कर देगा जो बाद में देखने में थोड़ा वियर्ड लगेगा। ये सारे पाइप में यू क्लैंप चाहिए देख रहे हो यहाँ पे ये पानी सब में चालू है ना चालू है आज बंद कर रखे हैं तोड़ दिए ना मैं कह रहा हूँ ना बबल वाला तोड़ दिए सारे में चालू कर रखा हूँ सारे ओके है इसलिए हमेशा पाइपलाइन चालू होना चाहिए कंस्ट्रक्शन होते ही प्लंबिंग की पाइपलाइन जब डल जाए तो पानी टंकी लगाना सबसे जरूरी है तो गाइस एक्चुअल में वीडियो तो बहुत बड़ी है करीब डेढ़ से दो घंटे की वीडियो थी बट मुझे लगा जितने मेजर पॉइंट्स हैं जो अक्सर हर जगह मैं गलती साइड विजिट पे जाता हूँ जो गलती आप पकड़ता हूँ तो आई थिंक आपको ये सब पता होने चाहिए तो इसलिए मैंने वीडियो व्लॉग डाला है आप कैसा लगा ये बताना अगर ऐसा आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे व्लॉग भी साइड विजिट के आते रहेंगे। टिल देन बजट आपका डिज़ाइन हमारा एंड हायर सिविल इंजीनियर फॉर योर होम टिल देन गुड नाइट।